अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने लिए जीना चाहता है, जो अपनी विशेष रखता है, या कोई ऐसी कोई बात करता है, उसे ऐसे देखा जाता है कि वो सेल्फिश है, वो मीन है, वो कितना सेल्फ सेंटर्ड है। लेकिन हम इस चीज़ को नहीं जान पाते कि हमें अल्टीमेटली खुद को ही पहले फ्लरिश करना होगा। अगर हम खुद इवॉल्व होंगे, अगर हम खुद स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, तभी हम दूसरों को स्वस्थ, खुश, खुशहाल, प्रेमपूर्ण रख सकेंगे। हम अपने जो परिवार है उसको खुशहाल रख सकेंगे। अपने सराउंडिंग में जो हमारे रिलेशंस हैं, हम उसमें प्रेम, केयर, एक हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप कर सकेंगे। इस वीडियो के थ्रू ये बात कहना चाहती हूँ कि अगर हम खुद की केयर करते हैं, अगर हम खुद का ध्यान रखते हैं, खुद से प्रेम करते हैं, खुद के हेल्थ का ध्यान रखते हैं, तो तभी हम अपने परिवार का, अपने रिश्तेदारों का, अपने मित्रों का, सभी का ध्यान तभी रख पाएंगे अगर हम खुद लविंग होंगे, प्रेमपूर्ण होंगे। जैसे हम किसी व्यक्ति को मिलते हैं तो वो हमें अगर गाली निकालता है, या हमें घृणा से देखता है, या हमें बुरे उपशब्द बोल देता है, तो हमें उस व्यक्ति से एक, हमें उससे वी शैल फील पिटी ऑन दैट पर्सन कि उसके अंदर जो था उसने वही तुम्हें दिया। अगर हमारे अंदर प्रेम है तो हम प्रेम ही देंगे, अगर हमारे अंदर घृणा है तो हम घृणा ही देंगे। तो अगर ऐसा आपके कांटेक्ट में कोई पर्सन आता है जो इतना दुखी है, इतना घृणा से भरा हुआ है और आपको गलत बोल रहा है, आप उसको पलटकर जवाब मत दें, आप उस पर दया करें और परमात्मा के लिए उसकी मंगल भावना करें कि हे परमात्मा, आप इसे स्वस्थ करो, इसका जीवन खुशहाल करो। हमें खुद पर काम करना चाहिए, ऐसा नहीं रहना चाहिए कि हम घृणा से भरपूर हों और घृणा ही फेंक रहे हैं, गालियां ही फेंक रहे हैं, जेलसी फेंक रहे हैं और नेगेटिविटी फेंक रहे हैं। हम खुद प्रेमपूर्ण हों, खुद पर काम करें, सेल्फ ग्रोथ पर काम करें, तो हम ऑटोमेटिकली प्रेमपूर्ण हो जाएंगे, ग्रैटिट्यूड से हम भरेंगे, तो हम अपनी लाइफ को सुंदर कर पाएंगे, जिससे हम अपने रिश्तेदारों की, अपने घर वालों की, सबकी ज़िंदगी खूबसूरत कर पाएंगे अगर हम खुद ऐसे हैं तो। तो अगर हम खुद का ध्यान रख रहे हैं तो इसको गलत वे में नहीं लेना चाहिए। यू शुड फील प्राउड ऑफ़ योरसेल्फ दैट यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच, बाय, हैव अ गुड डे।